वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड टू यूपी बोर्ड 12th क्लास स्टूडेंट एज वेल एज द 10th क्लास स्टूडेंट। और आज की पाठशाला में दोनों ही क्लास के लिए एमसीक्यू तैयार किए जाएंगे, देन अपलोड होंगे। तो जितने भी बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, इसे आकर के ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए, अगर आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी के तरीके काम करता है। और आज का मोटिवेशन सीरीज कुछ इस तरीके से है कि आप हमेशा सतत प्रयास करते रहिए, कंटिन्यूअस प्रयास करते रहिए, तो आपको इसके रिजल्ट हमेशा अच्छे मिलेंगे। तो हमेशा मेरे प्यारे बच्चों, प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो हमें पढ़ना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इस सीरीज को हम सिक्वेंशियल से पढ़ाएंगे और हम इसे बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक, 12th क्लास बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट होगी, 10th क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होगी। तो दोनों के क्वेश्चन आपको संडे टू संडे मिलेंगे। ठीक, तो मैं बताती चलूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में आए हुए हैं और कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मेल नहीं मिलाया जा सकता है। तो देखिए, आराम से समझिएगा। रिकम्बिनेट डीएनए जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए खंडों को मिलाने से बना है, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है? जब हम डीएनए यानी कि वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को मिलाते हैं तो रिकम्बिनेट डीएनए बनता है, ये बात सही है। नेक्स्ट देखिए, इसको छोड़ देते, समझ लीजिए, फिर आंसर आपको पता। एटीपी कोशिका में मुख्य ऊर्जा वाहक होता है, बिल्कुल सही। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द करेंसी ऑफ द एनर्जी, या ना, तो मुद्रा कोष होता है ऊर्जा का, ऊर्जा वाहक होता है, तो एटीपी भी बिल्कुल सही बात है। आरआरएनए अणुओं में जो राइबोसोम में होता है, देखिए जो बिल्कुल सही है, आरआरएनए का मतलब ही होता है राइबोसोमल आरएनए, और इसको ये क्या होता है, राइबोसोम में सिचुएटेड होता है, तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है, प्यूरीन नाइट्रोजनस क्षारक थाइमीन यूरेसिल एवं साइटोसिन, यानी कि ये जो प्यूरीन है थाइमीन के साथ कभी भी नहीं जुड़ सकते हैं, जो थाइमीन होता है उसके स्थान पर प्यूरीन होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो शायद सही हो जाता, लेकिन ये प्यूरीन थाइमीन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ये इसका आंसर गलत होगा। तो ये पूछा गया था निम्नलिखित में से किस युग्म का मेल नहीं है, तो प्यूरीन नाइट्रोजनस क्षारक थाइमीन और यूरेसिल साइटोसिन, ये गलत बात होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म को सही से मिलाया नहीं गया है। तो देखिए, सबसे पहले प्लाज्मिक जीवाणु में गुणसूत्र बाह्य डीएनए का एक छोटा सा क्या होता है, खंड होता है, बिल्कुल सही बात है। जो हम प्लाज्मिड वेक्टर की बात करते हैं तो उसमें गुणसूत्र का जो बाह्य खंड होता है वो क्या होता है, डीएनए का होता है, ये बिल्कुल बात सही है। आगे देखिए, इंटरफेरॉन एक एंजाइम है जो डीएनए नियमन में क्या करता है, बाधा डालता है। जो डीएनए का रेगुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो इंटरफेरॉन होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और जो कभी कभी क्या करता है, डीएनए नियमन में या रेगुलेशन में बाधा करता है। बेसिकली ये क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन या एंटीजन या जितनी भी डिसीज उसके इसके लिए क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, माइलोमा ट्यूमर कोशिका के द्वारा उत्पन्न कोशिका का समूह है। जो माइलोमा ट्यूमर होता है, माइलोमा जो सेल्स होती है, ठीक है, ये जो ट्यूमर होता है कोशिका के द्वारा उत्पन्न समूह है, ये बात बिल्कुल सही होती। होता क्या है, माइलोमा सार्किलोमा एपी और क्या कहते हैं, हाँ, माइलोमा सार्किनोमा और एपिलोमा करके, ये तीन कैंसर की टाइप्स होती हैं, और इन कैंसर की टाइप में ये एक होता है माइलोमा। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली जो कोशिकाओं में होता है वो उसमें ट्यूमर एक सेल की आउटग्रोथ को बढ़ाता है। तो गलत क्या है, कॉस्मिक एक रोग वाहक है, ये कॉस्मिक रोग वाहक नहीं होता, कॉस्मिक एक प्रकार का वेक्टर होता है बेटा। ठीक, जो डीएनए बड़े खंडों को परपोषी कोशिका के अंदर खाता है, जब कॉस्मिक बेटा, कॉस्मिक प्लाज्मिड प्लाज्मिड ये सारे जो वेक्टर होते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर, ये रोग वाहक नहीं होता। तो ये बात क्या है, गलत है, इसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो इसे आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे देखिए, चलिए,
अगर हम आगे की बात करें, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा बैक्टीरिया का पुनर्संयोजन नहीं हो सकता? पुनर्संयोजन का मतलब उसका पूरा निर्माण हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो किस विधि के द्वारा नहीं हो सकता है? देखो, ट्रांसडक्शन के द्वारा। जब हम ट्रांसडक्शन मेथड पढ़ते हैं तो ट्रांसडक्शन मेथड में क्या होता है, सेल का नया फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की टाइप्स होती हैं, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन की, डिवीजन की, तो उसमें ट्रांसडक्शन मेथड होता है, उसमें डीएनए का क्या होता है, पुनर्संयोजन होता है, तो ये बात सही है। उसके आगे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के क्या होता है, अगर बैक्टीरिया में क्या हुआ, डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो उससे भी नया पुनर्संयोजन बनता है, ये भी बात सही है। कॉन्जुगेशन की बात करें, भाई दो कॉन्जुगेट डीएनए मिलकर के क्या बनाएंगे, नया डीएनए बनाएंगे, ये भी सही है। लेकिन ट्रांसलेशन के द्वारा क्या होता है, डीएनए का पुनर्संयोजन नहीं होता है। ट्रांसलेशन तो बेटा प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है, किसके काम में आता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम में आता है, इतनी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक। आगे देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वो क्या होता है, मेडिकल फील्ड में और एग्रीकल्चर फील्ड दोनों में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, चिकित्सा और कृषि क्षेत्र दोनों में होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कई सारे ड्रग का, कई सारे इक्विपमेंट का क्या हो रहा है, मेडिसिन का निर्माण हो रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी क्रॉप्स का निर्माण हो रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, बीटी क्रॉप्स, क्या होता है, बीटी क्रॉप्स, इसमें मैं बताऊं वैक्सीन, मेडिसिन, इन सब का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ना देखना, मैं सिर्फ ऐसे बता रही, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर सीव, ठीक। तो ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, मॉलिकुलर सीजर, ठीक, मॉलिकुलर क्या होते हैं, सीजर, यानी कि आणविक कैंची होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बेसिकली जो एनबी होते हैं, एनबी का मतलब समझते हैं, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं उनको क्या करते हैं, विशिष्ट क्षारक्रम या विशिष्ट नाइट्रोजनस बेस पर क्या करते हैं, काटते हैं, या वी कैन से डिक्लीव द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द न्यूक्लियर नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक, इतनी बात याद रखे। आगे देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग है, देख जेनेटिक इंजीनियरिंग है, प्लास्टिक सर्जरी नहीं, प्लास्टिक सर्जरी जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं होती। स्टडी ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स, ये भी नहीं होता। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी इंजीनियरिंग को, किसी जीन को, अनवांछित जीन को निकाल करके, नॉन फंक्शनल जीन को हटा करके, डिसऑर्डर को हटा करके, डिसीज्ड जीन को हटा करके, उत्तम प्रकार के यानी वेरी गुड एंड द फंक्शनेबल जीन को क्या कहता है, जोड़ा जाता है, डेट इज द एडिशनल ऑफ द जीन। तो ये बात याद रखें, ये क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। आगे देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसकी संभावित खोज के कारण उन्नति हुई है, तो मैं बता दूं बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जब खोज हुई थी तो इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा उन्नति हुई है। और इसके टाइप कौन से होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, जिसमें से टाइप सेकंड जो होता है वो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के मॉलिकुलर सीजर होता है, और ये एनबी यानी नाइट्रोजनस बेस को कट करता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनबी, ठीक, नाइट्रोजनस बेस को। आगे देखिए, आगे क्या है कि ये कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बैक्टीरिया किसके व्यावसायिक उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं, तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अगर हम बात करें, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, ठीक है, तो आपको एलिमिनेशन रूल लगाना पड़ेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यहाँ पे, ये नेचुरल तरीके से होता है, इसमें कोई भी ऐसी हम नहीं अभी तक शोध हुआ है, ठीक है, ना ही थायरॉक्सिन के रेफरेंस में, ना ही मेलेटोनिन के रेफरेंस में। ह्यूमन इंसुलिन को अभी इंडस्ट्रियल क्या किया गया है, कम से कम आप चले जाइए 20 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, तो ह्यूमन इंसुलिन का क्या हो चुका है, एक ह्यूमिलिन क्या कहते हैं, मेडिसिन इसके लिए बनाई गई है, तो ये ह्यूमन इंसुलिन इसका आंसर होगा, ठीक है। ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न होते हैं, तो ट्रांसजेनिक जो पौधे उत्पन्न होंगे, भाई ट्रांसजेनिक पौधे में इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन होगा तभी ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न हो जाएंगे, तभी क्या होगा भाई, किसी अनदर बाह्य जीन को उसमें क्या करते हैं, तभी ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन के द्वारा, ठीक।
आगे देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित संरचना है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित जो संरचना होती रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, डीएनए के रासायनिक चाकू या आणविक कैंची होते हैं, अभी मैं इतनी देर से बता रही हूँ, एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं और ये क्या करते हैं, डीएनए के विशिष्ट खंडों को या नाइट्रोजनस बेस को क्लीव करने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ओवरव्यू हुआ है आज की पाठशाला। अगर आज पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बोर्ड के बच्चों तक जो 12th क्लास के हैं पहुंचाइए। गिव अ मोर लव एंड बायोलॉजी टू बायोलॉजी पाठशाला, और इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो सके। और अब होगी तैयारी बायोलॉजी पाठशाला के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और अपना अच्छे मार्क्स को क्या करें, अटेन करें, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल माई स्टूडेंट टू वॉच दिस पाठशाला।